मैं अपने सभी भाई बहन को नमस्कार करता हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी चीज का तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। फ्रेंड्स, आज हम सब इसरो द्वारा लॉन्च करने वाले गगनयान मिशन के बारे में जानकारी लेंगे, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा हमारे एग्जाम पेपर से। तो ठीक है, तब तक आप सब इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम नए टॉपिक की ओर अग्रसर हो जाए। आपका सवाल है, सवाल नंबर एक, गगनयान मिशन को इसरो ने किस दिन लॉन्च करेगा? आपका ऑप्शन है ए 20 अक्टूबर 2023 को, बी 21 अक्टूबर 2023 को, सी 22 अक्टूबर 2023 को, डी 23 अक्टूबर 2023 को। दोस्तों, अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आया तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 21 अक्टूबर 2023। सवाल नंबर दो, 21 अक्टूबर 2023 को इसरो ने जो मिशन लॉन्च करेगा उसका नाम क्या है? आपका ऑप्शन है ए GSLV-5, बी चंद्रयान-3, सी गगनयान मिशन, डी SSLV-7। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी गगनयान मिशन। सवाल नंबर तीन, गगनयान मिशन भारत का पहला ह्यूमन स्पेस मिशन कितने दिन के लिए सफर करने वाला है? आपका ऑप्शन है ए 3 दिन का, बी 4 दिन का, सी 6 दिन का, डी 8 दिन का। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 3 दिन का। सवाल नंबर चार, गगनयान मिशन को कितने किलोमीटर ऊपर पृथ्वी की कक्षा में भेजा जाएगा? आपका ऑप्शन है ए 350 किलोमीटर तक, बी 400 किलोमीटर तक, सी 450 किलोमीटर तक, डी 500 किलोमीटर। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 400 किलोमीटर तक। सवाल नंबर पांच, गगनयान मिशन कहाँ जा रहा है? आपका ऑप्शन है ए चांद पर, बी सूर्य पर, सी बंगाल की खाड़ी, डी तीनों सही है। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी बंगाल की खाड़ी। सवाल नंबर छह, गगनयान किस स्थान से लॉन्च किया जाएगा? आपका ऑप्शन है ए जयपुर से, बी कोलकाता से, सी श्रीहरिकोटा से, डी पटना से। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी श्रीहरिकोटा से। आपका सवाल सात, गगनयान मिशन को कितने बजे लॉन्च किया जाएगा? आपका ऑप्शन है ए 3 बजे से 5 बजे, बी 7 बजे से 9 बजे, सी 4 बजे से 6 बजे, डी 8 बजे से 10 बजे। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 7 बजे से 9 बजे। सवाल नंबर आठ, इसरो के द्वारा सबसे पहले लॉन्च किया गया मिशन का नाम क्या है? आपका ऑप्शन है ए चंद्रयान-1, बी आदित्य-1, सी गगनयान मिशन, डी PSLV-9। दोस्तों, अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आया तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए चंद्रयान-1। सवाल नंबर नौ, गगनयान में कितने अंतरिक्ष यात्री जाएंगे? आपका ऑप्शन है ए 3 यात्री, बी 4 यात्री, सी 6 यात्री, डी 8 यात्री। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 3 यात्री। सवाल नंबर 10,
गगनयान मिशन के निदेशक कौन है? आपका ऑप्शन है ए राजराजन, बी राजमोहन, सी आर्यभट्ट, डी कोई नहीं। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए राजराजन। सवाल नंबर 11। गगनयान में कौन सा रॉकेट इंजन है? आपका ऑप्शन है ए PSLV-9, बी SSLV-7, सी GSLV-3, डी GSLV-5। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी GSLV-3। सवाल नंबर 12। गगनयान मिशन की लागत खर्चा कितनी आया है? आपका ऑप्शन है ए 50,000 करोड़, बी 100,000 करोड़, सी 10,000 करोड़, डी 40,000 करोड़। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 10,000 करोड़। सवाल नंबर 13। आदित्य एलए को कब लॉन्च किया गया है? आपका ऑप्शन है ए 4 सितंबर 2023, बी 6 सितंबर 2023, सी 2 सितंबर 2023, डी 2 अगस्त 2023। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 2 सितंबर 2023। सवाल नंबर 14। आदित्य एलए को सूर्य तक पहुंचने में कितने दिन लगेंगे? आपका ऑप्शन है ए 120 दिनों, बी 125 दिनों, सी 130 दिनों, डी 140 दिनों। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 125 दिनों। सवाल नंबर 15। भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन का नाम क्या है? आपका ऑप्शन है ए मंगलयान मिशन, बी आदित्य लेक मिशन, सी गगनयान मिशन, डी चंद्रयान मिशन। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी गगनयान मिशन। सवाल नंबर 16। गगनयान मिशन को किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा भेजा जा रहा है? आपका ऑप्शन है ए इसरो, बी जैक्सा, सी नासा, डी CNSA। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए इसरो। सवाल नंबर 17। गगनयान मिशन में कुल कितने मिशन होंगे? आपका ऑप्शन है ए 8 मिशन, बी 5 मिशन, सी 3 मिशन, डी 1 मिशन। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 3 मिशन। सवाल नंबर 18। गगनयान मिशन में किस रोबोट को भेजा जाएगा? आपका ऑप्शन है ए रश्मि, बी व्योमित्र, सी टॉलोज, डी किरण। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी व्योमित्र। सवाल नंबर 19। गगनयान मिशन के ऑर्बिटल मॉड्यूल में कितने हिस्से हैं? आपका ऑप्शन है ए 5 हिस्से हैं, बी 3 हिस्से हैं, सी 2 हिस्से हैं, डी 1 हिस्से हैं। का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 2 हिस्से हैं। सवाल नंबर 20। गगनयान मिशन के क्रू मॉड्यूल का वजन कितना है? आपका ऑप्शन है ए 7 टन, बी 5 टन, सी 4.5 टन, डी 3.7 टन।
आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 3 सैटर्न। सवाल नंबर 21। गगनयान मिशन की घोषणा वर्ष 2018 में मोदी जी के द्वारा किस दिन किया गया था? आपका ऑप्शन है ए गणतंत्र दिवस, बी गांधी जयंती, सी स्वतंत्रता दिवस, डी विजयादशमी। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी स्वतंत्रता दिवस। सवाल नंबर 22। गगनयान मिशन में भारत की मदद कौन सा देश कर रहा है? आपका ऑप्शन है ए अमेरिका, बी चीन, सी रूस, डी जापान। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी रूस। सवाल नंबर 23। गगनयान मिशन के लिए भारत के अंतरिक्ष यात्री की ट्रेनिंग कहाँ हुई है? आपका ऑप्शन है ए अमेरिका, बी चीन, सी रूस, डी जापान। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी रूस। सवाल नंबर 24। गगनयान मिशन के निदेशक कौन हैं? ए एम मोहन, बी के सिवान, सी अमित शाह, डी एस जयशंकर। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए एम मोहन। आप लोगों के लिए इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। सवाल नंबर 25। चंद्रयान 2 की कुल लागत कितनी है? आपका ऑप्शन है ए 970 करोड़, बी 978 करोड़, सी 615 करोड़, डी 500 करोड़। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 978 करोड़। दोस्तों, अगर आपको ये जीके वीडियो पसंद आया हो तो इसके लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय।